यस सर, प्रीलिम के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी है। मैंने मतलब लास्ट टाइम ऑन द एस की जो प्रारंभ टेस्ट सीरीज रहती है, चार वो फ्री टेस्ट सीरीज देते हैं आप लोग, वो मैंने पेपर के अराउंड 15 to 20 days पहले सॉल्व की थी। और बाकी भी वेरियस इंस्टीट्यूट की वेब टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी। सो टेस्ट सीरीज का एक फायदा रहता है कि जो जो टॉपिक आपने रिवाइज नहीं किए वो उसके सोल्यूशन से आप आपकी इसमें वैल्यूएशन कर सकते हो, और आपको पता चलता है कि आपके कौन से एरियाज वीक है, ऑप्टिमम अटेम्प्ट आपका कितना रहना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कितना रहना चाहिए। सो इन सब बातों के लिए टेस्ट सीरीज अभी डेफिनेटली है सर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, रोशन प्रदीप देशमुख जी, जिन्होंने इस बार रैंक 451 हासिल किया है इस बार की सिविल सर्विसेज परीक्षा में। तो एक बार इनसे इंटरेक्ट करके देखते हैं और जानते हैं। पहले तो रोशन जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं ये सबसे पहले तो शुरुआत इस चीज से करना चाहता हूँ कि अब तो बर्डन वगैरह सब कम हो गया होगा, जो स्ट्रेस यस होता सर, है यूपीएससी साइकिल का। हाँ वो तो पूरा एकदम अभी ये हो गया, 2-3 दिन से पूरा एंजॉयमेंट ही चल रहा है। मतलब रिश्तेदार दोस्त वेल विशर सबके कॉल्स, बहुत लोग के मतलब के रिलेशन सेटे बने, सब मतलब एकदम ये हो गया है, पूरी और लाइफ मतलब एक चेंज हो गई है एक एग्जाम के करने से, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक विशेष साइकिल होती है प्री मेंस इंटरव्यू, और उस साइकिल से तो बाहर आके बहुत रिलीफ फील हो रहा होगा। यस सर, आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स, आफ्टर 4 अटेम्प्ट्स एंड 5 ईयर ऑफ माय डेडिकेशन हार्ड वर्क, फाइनली आई गॉट द सम फ्रूट ऑफ द यूपीएससी एग्जाम थ्रू द रैंक 451। तो तो इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा इस बार क्या डिफरेंट किया जो लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में आपको लगा कि मतलब ये कमी रह गई थी? क्या ऐसी कमी थी जिसे आपने दूर करके मतलब इस बार जो रैंक हासिल किया? है। ओके ओके, हाँ प्रिलिम्स के लिए सर, मतलब पहले 2 अटेम्प्ट में मेरे स्ट्रेटजी थोड़ी गलत हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत मतलब मल्टीपल सोर्सेस यूज करता था और उसके लिए उसके बाद में इफिशियंट रिवीजन नहीं हो पाता था। सो 3rd अटेम्प्ट से मैंने क्या किया कि हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही बुक चूज किया, और बाकी भी जो भी मतलब वैल्यू एडिशन रहेगा तो वो टेस्ट सीरीज के आंसर से वैल्यू एडिशन करता था। इसलिए मैंने सोर्सेस रिस्ट्रिक्ट के लिए प्रीलिम्स के लिए, और प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ यूपीएससी फ्रॉम 2011 से 2020 या 21 तक वो मैंने ज्यादा रेफर किए, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ। और मेंस में मतलब मैंने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पीएसआर में बहुत कम आ रहे थे, जिसकी वजह से इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाया था। तो इस बार मैंने थोड़ी पीएसआर में ज्यादा एफर्ट दिए, अराउंड में रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था। सो उसमें से अराउंड 4 to 5 आवर्स में पीएसआर को डेडिकेटेड करता था। इसकी वजह से हमने देखा कि पीएसआर में ड्रास्टिकली स्कोर इम्प्रूव हुआ। लास्ट टाइम मेरे को 210 थे, सो इस बार अराउंड 282 मार्क्स हो गए, इसकी वजह से रैंक भी आ सके। यही यही है सर। जैसे पहले 2 अटेम्प्ट में प्री ना निकल पाना, एक कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ट होता है फैमिली की तरफ से, और रिश्तेदार वगैरह भी होते ही हैं आसपास के मोहल्ले वाले, तो इस प्रेशर से आपने कैसे मतलब अपने आप को निकाला? यस सर, फैमिली का एक बहुत ही मतलब सपोर्ट रहा है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि इस बार नहीं निकला, अगली बार तुम्हारा जरूर निकलेगा, और बाकी भी रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट किया। और मैं मतलब सिविल सर्विस के साथ साथ सीएपीएफ और बाकी स्टेट सर्विसेज की भी एग्जाम तैयार कर रहा था। सो 2000 जब 2nd अटेम्प्ट में नहीं हुआ प्रीलिम, तो मैंने सीएपीएफ दिया, और उसके बाद में सर फिजिकल इवेंट डिस्क्वालीफाई हो गया, पर डाइवर्सिफाई किया, इसकी वजह से थोड़ा ये हो गया। और घर वालों का कांस्टेंट सपोर्ट था कि तू कर ही पाएगा, इसकी वजह से ज्यादा प्रेशर नहीं आया। और मैं थोड़ा मतलब एक्टिव भी था, रनिंग जॉगिंग भी करता था, थोड़ा मेडिटेशन करता था, और कभी कभी मतलब पढ़ाई से ब्रेक लेके दोस्तों के साथ थोड़ा घूमना या फिर कभी खाना खाने बाहर जाना। तो इसकी वजह से ऐसा ज्यादा ये नहीं हुआ, डिमोटिवेट या डिमोरलाइज फील नहीं हुआ। अच्छा, जैसे एग्जाम में कई बार स्ट्रेस होता है, लाइक प्री में यस भी सर, होता है और मेंस में भी होता है, तो उस स्ट्रेस को निकालने के लिए अपनी लाइफ से आप क्या करते थे? यस सर, स्ट्रेस तो रहता ही है। स्ट्रेस को निकालने के लिए मैं थोड़ा जॉगिंग करता था, थोड़ी हॉबीज थी हमारी वो जॉगिंग, जबकि वेब सीरीज वॉच करना या फिर रनिंग करना या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा घूम फिर देना,
इसकी वजह से, और ज्यादा मतलब ऐसा टेंशन नहीं आ रहा था क्योंकि पढ़ाई में कंटिन्यूटी थी और एक मतलब टाइम टेबल बना लिया था कि इस दिन इतना करना है, मतलब इतना चैप्टर फिनिश करने हैं, इतनी थेसिस सॉल्व करनी है। तो जो टाइम टेबल को हम लोग फॉलो करते हैं तो हमको भी पता चलता है कि एक प्रॉपर वे से पढ़ाई हो रही है, और उसके बाद में ज्यादा ऐसा प्रेशर नहीं आता। प्रेशर आता था पर वो थोड़ा टेम्परेरी रहता था, नर्वसनेस आती थी, पर वो तो मतलब कॉमन है, सबके साथ ही होता है। इसके लिए ज्यादा ये नहीं है, कुछ करने की घबराने की जरूरत नहीं। तो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है? मतलब मैंने अक्सर टॉपर्स को कहते हुए सुना है कि प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कहीं ना कहीं आपको उस माहौल के लिए तैयार कर देती है। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? यस सर, प्रीलिम के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी है। मैंने मतलब लास्ट टाइम ऑन दिया के जो प्रारंभ टेस्ट सीरीज देते हैं, चार वो प्री टेस्ट सीरीज देते हैं आप लोग, वो मैंने पेपर के अराउंड 15 to 20 days पहले सॉल्व की थी, और बाकी भी वेरियस इंस्टीट्यूट की वेब टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी। सो टेस्ट सीरीज का एक फायदा रहता है कि जो जो टॉपिक आपने रिवाइज नहीं किए वो उसके सोल्यूशन से आप आपकी इसमें वैल्यूएशन कर सकते हो, और आपको पता चलता है कि आपके कौन से एरियाज वीक है, ऑप्टिमम अटेम्प्ट आपका कितना रहना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कितना रहना चाहिए। सो इन सब बातों के लिए टेस्ट सीरीज अभी डेफिनेटली हेल्प। एक और चीज मैं पर्सनल लेवल पे आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके जैसे ग्रेजुएशन वगैरह में प्लस टू में मार्क्स अच्छे नहीं रहते, और कुछ आप इससे रिलेट कर सकते हैं अपने आप को, तो स्टिल मैनेजिंग सच ए गुड रैंक, तो कैसे ये आपने किया? क्योंकि बच्चों के मन में दुविधा रहती है, यार मेरे कॉलेज में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो हो सकता है कि शायद मैं ये पेपर नहीं कर सकता। सर जबकि आपने देखा कि मेरे ग्रेजुएशन में अराउंड 53 to 54% ही मार्क्स थे, पर उस टाइम एक हमारे इसमें इमैच्योरिटी रहती है कि मतलब ग्रेजुएशन में तो ऐसे रहते कि पेपर के एक दिन रात एक दिन पहले ही पढ़ने का, जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ने का, सिर्फ 40 मार्क लेके आने का और पास होने का। तो जब मैंने इंजीनियरिंग पास आउट हुआ तो रियलाइज किया कि ऐसा तो जिंदगी फिर मेडियो कर लाइफ हो जाएगी। इसके लिए फिर बाद में और मतलब घर वालों ने बताया कि अभी अपने अब हम हमने खुद को लाइफ को सीरियस लेना चाहिए। सो उसके बाद में डिसाइड किया कि सिविल सर्विस देना है और उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो इसकी वजह से एक डेडिकेटेड अराउंड 5 साल की डेडिकेटेड पढ़ाई, और जो भी मतलब लो रैंक था, लो और परसेंटेज थे हमारे ग्रेजुएशन में, उसका मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया कि ठीक है चलो अभी हो गया तो हो गया, पर जो भी अभी अगला ये रहेगा उसमें हमने 100% देंगे और एक सीरियस हाली पढ़ाई करेंगे और एक अच्छा ऑफिसर बनेंगे, ये तय किया था सर। वैसे आपके मेंटर वगैरह के बारे में अगर बात करें, मतलब घर में कोई ऐसा था जिसने पहले कभी यूपीएससी की पढ़ाई की हो, या किसने आपको इंस्पायर किया इस सर्विसेज के लिए? यस सर, जब मैं लास्ट ईयर में था, मतलब लास्ट लास्ट ईयर खत्म हो गया था 2017 में, तब हमारे उल्लासनगर के दो टॉपर आए थे, एक थी प्रांजल पाटिल मैम और एक अभिषेक काले सर। तो मैं जब इस फील्ड में आने की सोची तो दोनों के साथ इंटरेक्ट किया, फिर दोनों ने बताया कि कैसा रहता है क्या रहता है। तो उसके बाद में मैंने फील्ड में आया, और वो अभिषेक काले सर थे, वो इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में है और हमारे घर के पास में रहते, सो उन्होंने गाइड किया। कभी कुछ ये रहते तो मैं डाउट रहता उनको उनसे जाके पूछता था, और बाकी भी दोस्त थे उन्होंने भी अच्छा हेल्प किया है इसमें स्टडी में। अब जैसे जो बच्चे आने वाले प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो अगर मैं आपके पहले दो प्रीलिम्स की बात करूं, क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अवॉइड करें तो वो भी मतलब प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं? दो तीन मिस्टेक्स है कि एक तो मतलब आपके रिसोर्सेस लिमिटेड रखिए, आप ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, लाइक सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, और आप एक ऑप्टिमम ऑप्टिमम नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट लाइक ओनडीआईएस और अदर इंस्टीट्यूट। तो ये रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें अराउंड प्रीलिम्स के पहले 2 से 3 बार आपकी रिविजन होनी चाहिए, और जो भी टेस्ट सीरीज में आपके एमसीक्यूज रॉन्ग हो उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाए और वो सब उसमें लिख के रखे, क्योंकि प्रीलिम्स से 1-2 दिन पहले आपको एक अच्छी तरह से आप उसको रिवाइज कर सके, और वो एमसीक्यू अगर एग्जाम में आए तो आपके गलती ना हो और आप लॉजिक भी अच्छी तरह से डेवलप कीजिए सर। अब साथ ही साथ आपने कोई स्ट्रैटेजी भी बनाई होगी बच्चों के साथ, अगर आप शेयर करना चाहें कि मतलब वो जो 8 घंटे आप कहते हैं, 8 से 9 घंटे आप पढ़ते थे, तो किस तरह से टाइम डिवाइड करते थे, कितना टाइम करंट अफेयर को और बाकी सब्जेक्ट्स को? हाँ सर, ऐसा टाइम तो हार्ड एंड फास्ट नहीं था, पर मतलब जब अभी प्रीलिम का रहेगा तो मैं अराउंड रोज एक अराउंड 50 एमसीक्यू सॉल्व करता था, वो अराउंड 1 घंटे में सॉल्व करता था। उसके
बाद में उसके एनालिसिस के लिए और 1 घंटा, और उसके बाद में करंट अफेयर्स के लिए अराउंड रोज 1 से 1.5 घंटा निकलता था, और बाकी फिर जो 3-4 घंटे बचते थे वो फिर स्टैटिक सब्जेक्ट का वो दो उसके दो स्लॉट बना लेता था, 1 स्लॉट 1.5 घंटे का और 1 स्लॉट 1.5 घंटे का, ऐसा में मतलब अराउंड ऐसा रहता था मेरा टाइम टेबल। और मेंस के टाइम पे मैं ऑप्शनल और जीएस दोनों का साथ कंबाइन स्टडी करता था, सो अराउंड 3-4 आवर्स में ऑप्शनल करता था और 4-5 आवर्स जीएस का करता था। और इसी दौरान में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहते हैं यूपीएससी के मेंस के उसके आंसर भी दिखता था, और वो किसी मेंटर से या फिर दोस्तों से इवेल्युएट करता था। करंट अफेयर रोज थोड़ा आधा घंटा एक न्यूज़पेपर पढ़ता था और मैगजीन भी आधा अराउंड हाफ एन आवर। अच्छा, अब आपने जैसे कहा आंसर राइटिंग, तो आपने आंसर राइटिंग एक्चुअल में स्टार्ट कब की? कि एक ये बहुत बड़ी दुविधा रहती है बच्चों के माइंड में कि आज स्टार्ट करूं, प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करूं, पहले करूं, कब करूं? यस सर, पहले अटेम्प्ट में जब मेरी प्रीलिम्स में रखते प्रीलिम्स नहीं निकली थी, तो फिर मैंने डेडिकेटेडली अराउंड 7 to 8 months मेंस का स्टडी किया था, और तभी जब तभी मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करता था डेली अराउंड 2 to 3 questions जो भी मतलब पहले दिन पढ़ा था उसके दूसरे दिन में मैं आंसर राइटिंग करता था और वो दोस्तों से चेक करा के लेता था। फिर बाद में मतलब प्रीलिम्स के बाद में अराउंड 2 अटेम्प्ट होने के बाद तीसरे अटेम्प्ट से मैं प्रीलिम्स के बाद में आंसर राइटिंग ये करता था। सो उसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी साइड बाय साइड सॉल्व करता था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तभी किया था और बाद में थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स के बाद ही आंसर राइटिंग स्टार्ट की। अब जो प्री के 2 घंटे होते हैं एग्जाम हॉल, अब वहां पर भी कई बारी स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी आती है, क्या आपको भी वो चीज फील हुई थी? यस सर, डेफिनेटली मेरे को तो अभी इतनी एंजाइटी होती थी, लास्ट टाइम भी दिया था तो मैं एंजाइटी नर्वसनेस थी, पर उसके लिए मतलब एक प्रीलिम्स के मैं अराउंड 8 से 10 दिन पहले मैं वही टाइम स्लॉट पे यूपीएससी के प्रीवियस पेपर सॉल्व करता था, क्योंकि मतलब थोड़ी एक आदत हो जाए और यूपीएससी के पेपर की क्वालिटी हमें पता चले, और तो इसके लिए मैं अराउंड 8 से 10 दिन पहले बाकी के सब दिए करता था, ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो नहीं करता था, फिर मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था जीएस की 2011 से 2021 के पेपर, और ड्यूरिंग भी ड्यूरिंग एग्जाम जो जो क्वेश्चन मेरे को पहले आते थे वो फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना, जो जो नए आते क्योंकि और जो हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है जिस पे ज़्यादा टाइम लगेगा तो सेकेंड और थर्ड राउंड में सॉल्व करने का, यही मेरी स्ट्रैटेजी थी सर। अब ऑप्शनल की बात कीजिए, तो ऑप्शनल में आपने मतलब कैसे अपने ऑप्शनल को तैयार किया? ऑप्शनल के लिए मैंने एक कोचिंग ली थी पुणे में, उसके बाद में सर मैंने ऑप्शनल के लिए अराउंड जो जो क्लास के नोट्स रहते उससे ज़्यादातर की प्रिपेयर किया। ऑप्शनल में 2-3 बुक भी रेफर की थी, लाइक गोपी गौबा की पॉलिटिकल थ्योरी की बुक रहेगी या फिर एंड्रयू हेवर की बुक, ये 2-3 बुक्स मैंने रेफर की थी। और जो ऑन द एज का जो एक PSR का एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप लोग बहुत अच्छा मटेरियल डालते थे, और एक ऑनलाइन की बुकलेट भी थी पेपर वाइज, पेपर वन पार्ट वन, पेपर वन पार्ट टू, ये 4 बुकलेट थी, वो मैंने सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर दी थी और उससे ही जो वैल्यूएशन थी वो मेरे नोट्स में कर रहता था। और ऑनलाइन के टेलीग्राम चैनल पे जो जो भी वीकली करंट अफेयर अपडेट्स रहते थे उससे मेरे नोट्स में वैल्यूएशन करता था, तो उसकी वजह से ऑप्शनल की एक होलिस्टिक तरह से प्रिपरेशन हो पाई। और करंट अफेयर्स जैसे जीएस पेपर की अगर हम बात करें, प्री में मेंस में दोनों में ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उस करंट अफेयर को हैंडल करने के लिए आप क्या करते थे? करंट अफेयर्स के लिए मैं तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसमें से जो भी एडिटोरियल रहेंगे या फिर जो ओपेड वाले कॉलम्स रहेंगे, डिफरेंट थिंकर्स के कॉलम रहेंगे, उस वो पढ़ता था, उससे एक मतलब पता चलता था कि ये थिंकर का आइडियाज और व्यू पॉइंट क्या है, उससे अपोजिट व्यू पॉइंट भी आते थे वो भी मैं देखता था। और करंट अफेयर्स के लिए बाकी के भी ओनली एज की जो डेली करंट अफेयर सीरीज रहती है या फिर एडिटोरियल डिस्कशन रहते हैं उसका भी बहुत वेट हो गया रिगार्डिंग फिल्म्स एज वेल एज मेंस, सो ओनली एज प्लेस द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इन कवरिंग द करंट अफेयर इन शॉर्ट टाइम। अब जैसे मेंस में एक प्रॉब्लम आती है अमूमन हर बच्चे को आती है, और मतलब कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं बनाते इसके लिए, बट एक होता है कि आप टेस्ट दे रहे हैं, आप फिर उसको टेस्ट को भी इवेलुएट करते हैं, आप देखते हैं कहाँ कमी रह गई है, तो वो जो एक साइकिल है कि आप हफ्ते में 2-3 टेस्ट दे रहे हैं और स्टडीज भी कंटिन्यू रखनी है, तो उस फेज में आपने मतलब किस तरह से मतलब टाइम मैनेज किया?
यस मेंस के लिए सर मैं वीकली एक टेस्ट सीरीज देता था, जो भी मतलब 4-5 दिन पढ़ता था उसकी, सैटरडे को उसकी रिवीजन करता था और संडे को टेस्ट देता था, और संडे को ही शाम को फिर उसका जो एनालिसिस के वीडियोस आते थे वो देखता था, और मतलब अराउंड 1 वीक बाद वो टेस्ट पेपर चेक करके आते थे, फिर उस तभी बार एक बार देख लेता कि क्या क्या हमारे टेस्ट अपने आंसर में क्या क्या खामियां है, और हमको क्या क्या फैक्ट्स ऐड करने थे या फिर आंसर में, और हम एनरिच कैसे कर सकते थे। वही मैं साइड में एक पेंसिल या फिर रेड पेंसिल लिख रहता था, और जब भी एग्जाम नजदीक आती थी तो फिर मैं वो आंसर एक बार रिविजिट करता था कि ये ऐसे हमारे आंसर में और इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। सो ये मेरी स्ट्रेटेजी होती थी, और एग्जाम के अराउंड 15-20 दिन पहले मैं एक सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट देता था, लाइक GS1 GS2 1 दिन, GS3 GS4 1 दिन, और ऑप्शनल के 1-2 दिन, मतलब कि उसकी वजह से दो बातें होती थी, एक तो टाइम मैनेजमेंट होता था और अराउंड 6 घंटे डेली लिखने की प्रैक्टिस हो जाती थी। सो एक्चुअल एग्जाम में हमारा प्रिपरेशन ज़्यादा हमारा फोकस ज़्यादा अच्छे से रहे, और हमको जो ये रहता है, जो एंजाइटी और ये रहता है नर्वसनेस, वो बहुत कम हो जाए, तो ये होता था सर। एक सवाल ये भी था, जैसे आपका प्रॉब्लम्स मेंस हुआ था लास्ट अटेम्प्ट में, पिछले अटेम्प्ट में, तो उसमें आपने कहा PSIR में नंबर कम रहे, और आपने कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज किया जिसके बाद आपके PSIR में इस बारी 280+ नंबर आप बता रहे थे। तो ऐसा क्या चेंज हुआ जो 70 से 80 नंबर का फर्क आ गया मात्र 1 साल के अंदर अंदर? यस सर, इसकी वजह से इसमें दो तीन बातें सर। एक तो मैंने मतलब रिवाइज ज्यादा किया, जो बेसिक बुक थी लाइक ओपी गोवर्कर सर की पॉलिटिकल थ्योरी और फिर क्लास नोट, और लास्ट टाइम मतलब अराउंड मेरे 2 से 3 क्वेश्चन दोनों पेपर में छूट गए थे, तो अराउंड मैंने लास्ट टाइम अराउंड 440 मार्क्स का ही अराउंड पेपर सॉल्व किए थे। तो इस बार मेरा ये था कि हमको पूरा पेपर सॉल्व करना है, सो 500 में से 500 मार्क का पेपर सॉल्व करना है, ये थी। और मैंने मतलब इस बार ये किया था कि जो करंट करंट का पार्ट रहता है, पेपर 1 पार्ट 2 और पेपर 2 का पार्ट 2, उसको ज्यादा अच्छे से किया था। सो उसकी वजह से मेरे रैंक्स इंप्रूव हो गए, और इस बार मैंने आपके ऑन द एज का जो ये रहता है उसके टेस्ट टेस्ट बुकलेट वो अच्छे से देखे थे, उससे वैल्यूएशन की थी, और इसकी वजह से ही मेरा स्कोर इंप्रूव हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आंसर राइटिंग जब आप करते हैं, ठीक है, एक हम कहते हैं कि 7 से 8 मिनट का आपके पास विंडो होता है, तो आप क्या उस विंडो की प्रैक्टिस करते थे कि 7 से 8 मिनट में आपको एक आंसर कंप्लीट करना है, या स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा टाइम लगता था, आपने कहा कि नहीं पहले मैं एक बारी आंसर लिखना स्टार्ट करता हूँ और फिर बाद में टाइम के ऊपर ध्यान दो? यस सर, जब मैंने पहली पहली बार आंसर राइटिंग करता था फर्स्ट टाइम, तो तब टाइम लगता था क्योंकि तब अराउंड 15 मार्क्स के क्वेश्चन को 12 से मतलब 15 15 से 20 मिनट लगते थे, और 10 मार्क के क्वेश्चन को 10 से 12 मिनट लगते थे। पर उसके बाद में मैंने ये सोचा कि हमको एक्चुअल एग्जाम में तो टाइम फ्रेम में ही लिखना है, उसके बाद से मैंने एक टाइम फ्रेम में आंसर लिखने की प्रैक्टिस चालू की। मैंने ठान दिया था कि जो भी 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा वो 7 7 मिनट तक कम्प्लीट होना चाहिए, और जो 15 मार्क का क्वेश्चन रहेगा वो 10.5 से 11 मिनट तक कम्प्लीट होना चाहिए। तो उसकी वजह से बाद में मैंने एक क्वेश्चन को उतना ही टाइम डिवोट किया, इसकी वजह से इस बार मैं सब पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, और इसकी वजह से मेरा अच्छा रैंक आता है। अक्सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट से एक सवाल पूछा जाता है, आपसे भी पूछा गया होगा, कि आपने IES के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? शायद आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है आई गेस, यस सर, यस तो ऐसा कुछ सवाल पूछा गया था आपसे, क्योंकि काफी सारे इंजीनियर इस सवाल से बहुत परेशान है। राइट राइट इंटरव्यू में तो मेरे को ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पर क्योंकि मेरा मतलब एकेडमिक स्कोर भी इतना नहीं था, और मतलब ज्यादा इसके बारे में पता भी नहीं था कि IAS एग्जाम कैसी रहती है, ऐसी रहती है, इसकी वजह से IAS के लिए प्रिपेयर नहीं किया। और मतलब ज्यादा मेरा इंक्लिनेशन था वो टूवर्ड सिविल सर्विस से था, इसकी वजह से मैंने सिविल सर्विस के लिए डेडिकेटेड तैयारी। एक बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है, आप नोट्स मेकिंग कैसे करें और क्या नोट्स मेकिंग करनी भी चाहिए? ओके, मैंने तो मतलब मेंस के लिए नोट्स बना के रखी थी स्पेशली फॉर GS2 GS3 एज वेल एज GS4, क्योंकि टॉपिक बहुत डाइवर्स है और डिफरेंट एरियाज को कवर करते हैं। सो इसके लिए मैंने नोट्स मेकिंग शुरू में की थी। GS2 के टॉपिक्स रहते लाइक गवर्नेंस टॉपिक और फिर पब्लिक पॉलिसी और अदर टॉपिक्स, उसके लिए
और वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन, वो टॉपिक से GS3 में भी एग्रीकल्चर, साइंस टेक को, डिजास्टर मैनेजमेंट, और GS4 को तो मैंने पूरे नोट से ही प्रिपेयर की, नोट्स ही बना के रखे थे। नोट्स आपको एक दो दो कामों में हेल्प करती है। एक तो आपका इफिशियंट रिविजन हो जाता है, आप मतलब बहुत कम टाइम में आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। और सिमिलरली जो हमारे मतलब पेपर के बीच में गैप रहता है 2 घंटे का, उसमें आप मतलब अराउंड 1 से 1.5 घंटे में नोट्स रिवाइज करके अच्छे से मतलब आपका रिटेंशन पावर भी बढ़ता है और आप मतलब पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैंने सब सब्जेक्ट की अच्छी तरह से नोट बनाई थी और मैं उसको बहुत बार रिवाइज किया करता था। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आप पेपर की तैयारी जब कर रहे थे तो एक प्रॉब्लम सभी के साथ आती है कि जो टाइम मैनेजमेंट है, हम चाह के भी मतलब कई बार शेड्यूल जो हम डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मतलब कोई ऐसा आपने अपने आप को रिवॉर्ड या कुछ ऐसा देने का कोई सिस्टम रखा था जहां पर जैसे आप टाइमली अगर कोई चीज कंप्लीट करते हैं तो आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं, और अगर टाइमली नहीं करते हैं तो क्या करते थे? यस सर, मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने एक टाइम टेबल बना के रखा था। सो वो टाइम टेबल को मैं अराउंड 6 दिन फॉलो करता था, मंडे टू सैटरडे, और उसके बाद में अगर अच्छे से मतलब सब एरियाज कवर कर लिए, जो भी टास्क थे वो कंप्लीट कर लिए, सो उसके बाद में मतलब सैटरडे को थोड़ा एक वेब सीरीज देखना नहीं तो फिर थोड़ा घूमने जाना, ये मतलब खुद को रिवार्ड में देखता था, रिवार्ड खुद को देता था, या फिर कभी होटल में बाहर जाके खाना, और एक टाइम लिमिट का था तो यही मेरा मतलब खुद को रिवार्ड देता था। एक क्वेश्चन है, अभी लास्ट 1-2 दिन में मतलब कोई वेब सीरीज वगैरह मतलब पिछले कुछ दिनों में देखी हो, कोई आपकी फेवरेट हो? यस, लास्ट वीक मैंने पंचायत का सीजन 2 देखा था, वो मतलब मेरा सीजन 1 भी बहुत फेवरेट था और उसके इंटरव्यू की वजह से मैं देख नहीं पाया था, सो लास्ट वीक में जब फ्री हुआ तब पंचायत की सीजन 2 वेब सीरीज देखा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर रोशन जी। थैंक यू। Thank you for giving us your precious time and good luck for your future. हमारी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको congratulations. Thank you, sir. It was a pleasure talking to you. Thank you.